Evening students, today's topic Phillips tumor या नेफ्रोब्लास्टोमा। Phillips tumor एक मोस्ट कॉमन जो किडनी कैंसर होता है, जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। इसका दूसरों इसको कहते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं। ये बच्चों में मुख्य रूप से आमतौर से जो एजेस होती है वो 3 से 4 ईयर्स होती है, और 5 साल के बाद में ये बहुत रेयर कैंसर है बच्चों में होता है। इस tumor में मोस्टली क्या होता है, 1 किडनी साइड ट्यूमर होता है, परंतु कभी कभी बाइलेटरल या दोनों साइड किडनी में भी ट्यूमर हो सकता है। विल्स ट्यूमर और नेफ्रोब्लास्टोमा इज ए मेन ट्यूमर इन किडनी दैट टिपिकल अकर्स चिल्ड्रन। डॉक्टर मैक्स विलियम्स जर्मन सर्जन 1867 to 1918 फर्स्ट डिस्क्राइब दिस काइंड ऑफ ट्यूमर। Phillips tumor is the 5th most common pediatric malignancy, 70% all childhood tumors. Incidence 1 in 10,000 girls are slightly more affected. 70% of cases occur before the child is 5 years of age. Most commonly unilateral, but 5% to 10% both kidneys are involved. Approximately 500 cases are diagnosed in US annually. The majority 75 occurs with otherwise normal children, a minority 25 in associated with other developmental abnormalities. Next, it is highly responsive to treatment, with about 90% of parents surviving at least 5 years. Etiology unknown. Genetic abnormalities. Which tumor first genetic dominance at chromosomes 11 to 13. Phillips tumor 2 genes at chromosomal 1 to 15। Phillips tumor का कोई स्पष्ट कारण तो है नहीं, पर रेयर केसेस में हेरिडिटी इसको माना जाता है, जिसमें होता है क्रोमोजोम्स यानी डीएनए। कैंसर जो डेवलप होता है वह सेल्स के डीएनए जो में कुछ कमियां होती है, जिस कारण विकसित होती है जो सेल्स उसमें कुछ कमियां होती है, और उनके बढ़ते और अनियंत्रित रूप से जो विभाजित जो सेल्स होती है वह अनियंत्रित रूप से विभाजित होती है और करने और जीवन में रहने की अनुमति देती है। जो अन्य सेल्स जब वो बनती है जो संचित कोशिका में ट्यूमर बनाती है, जो बच्ची की कोशिकाएं क्या करती है ट्यूमर बनाती है, क्योंकि ये क्रोमोसोम जेनेटिक्स जो है सेल्स का त्रुटियाँ यानी सेल्स में त्रुटियाँ और विभाजन और ये अनियमितता के कारण ये ट्यूमर डेवलप होती है। और ये सभी प्रक्रिया जो वेस्ट ट्यूमर की है वे किडनी में सेल्स में होती है। रेस केस में डीएनए जो है डीएनए में जो कमियां हैं जो विल्स ट्यूमर जो जन्म देती है वह माता पिता से बच्चों को पारित होती है। इट इज ए बिलीव दैट ट्यूमर बिगिंस एंड ग्रो एज ए फिटस डेवलप ए वॉम्प विथ सम सेल्स आर रेयर डेस्प्रोड फ्रॉम इट द किडनी मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मिंग दैट ट्यूमर। इसमें होता है कि ये जो सभी जो सेल्स की क्रियाएँ वह किडनी के अंदर ही होती है, एम्ब्रियो एंड फिटल ग्रोथ। द एक्सैक्ट इटोलॉजी ऑफ ट्यूमर आर स्ट्रिक्ट बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। ट्यूमर इज एक्सिस्टेडली वेस्कुलर सॉफ्ट मशी एंड जिलेटिनियस इंसेक्टेड। विल्स ट्यूमर हैज कैपेसिटी रैपिड ग्रोथ, यूजली ग्रोज टू ए लार्ज साइज। ट्यूमर हैज ए यूनिफॉर्म बेल्ट डिमार्केटेड बाय सूडो कैप्सूल्स ऑफ कंप्रेस रीनल टिश्यू। ट्यूमर डेवलप ऑफ प्रिमेटिव रीनल टिश्यू एंड कैन हैव एपिथीलियम ट्यूबल्स ए ग्लोमेरुलू स्टोर्मल फैट स्केलेटल मसल्स कार्टिलेज एंड प्लास्टिमल एलिमेंट्स एंड एनिमल एंड इम्यून मटीरियल फ्रॉम हिज सेल्स एंड टिश्यू डेवलप। फिलिप्स ट्यूमर के बी एसोसिएटेड विद हेमी हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि वन साइड जो बॉडी है लार्जर होती है देन दूसरे साइड से। एनीवीडिया जो बोलते हैं कंप्लीट लॉस ऑफ आयरिस यानी आयरिस का कंप्लीट लॉस होना। तीसरा जेनिटो यूरिनरी यूरिन सिस्टम में कुछ एबनॉर्मलिटीज पाया जाना। अब लेते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पहला है व्हेन द अनबोर्न बेबी इज डेवलपिंग, जो भ्रूण में होता है। द किडनी आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रिमिटिव सेल्स, किडनी जो बनती है प्रिमिटिव सेल्स से बनती है। द सेल्स मैच्योर ऑर्गेनाइज इनटू द नॉर्मल किडनी स्ट्रक्चर। Then sometimes clamps of these cells remain their original primitive forms. Next, if these cells begin
multiply after birth, they be ultimately form a large mass of abdominal cells. This is now is Wilms tumor. तो यह है इसकी pathophysiology of Wilms tumor. Manifestation. Wilms tumor is diagnosed at a mean age of 3.5 years. The most common feature are upper quadrant abdominal mass being non-tender. Next, abdominal pain occurs in 30% to 40% cases related to rapid growth of tumor. Urethral obstruction due to compressed constipation, vomiting, abdominal distress, anorexia, weight loss, dyspnea due to enlargement of tumor. Other signs of symptom of Wilms tumor include hypertension, fever caused by tumors, necrosis, amenorrhea, and anemia. The neoplasm metastasis either by direct, they may be involved peristaltic tissue, lymph nodes, the liver, diaphragm, abdominal muscles, and lungs. Invasive bone, brain, and are common. Diagnostic examination, laboratory, CBC, baseline data, platelet count, urine analysis, hematuria and urine culture, liver function test, RFP, LFT, blood chemistry, electrolytes, uric acid, imaging studies में ultrasonography, इसमें क्या क्या करते हैं, initial of the renal abdominal mass, possible renal inferior vena cava, thrombus, drop will flow out, may be helpful setting the vascular invasion, information regarding liver and adrenal kidney, CT scanning the chest and abdomen, differential diagnosis of kidney tumor versus adrenal tumor, liver metastasis, status of apposite kidney, lymph node assessment, status of chest and risk factor of metastasis, RVP, chest radiography as a baseline for pulmonary metastasis, bone scan, magnetic test, resonance imaging, histological findings. Favorable histological, 90% of cases is characterized by all histological elements without any anaplastic features. The cure rate of cases of close 90%. Unfavorable histological, 10% of cases is characterized by presence of alopecia. Alopecia is defined nuclear enlargement, the abnormal metastasis. Bone scan, bone marrow aspirate, biopsy. Staging of treatment. Staging of treatment and imaging. Studies and pathology finding. Treatment stage is determined by the stage. Stage first. स्टेज फर्स्ट में क्या है, जो ट्यूमर है वह कंटेन होती है विद इन किडनी एंड कैन बी कम्प्लीटली रिमूव करती है, ऐसा सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जाता है, और अबाउट 40 to 45% जो विल्स ट्यूमर है आज स्टेज फर्स्ट में होती है. तो पढ़ते हैं हम, फर्स्ट स्टेज विल्स ट्यूमर, वन ऑफ फॉलोइंग द क्राइटेरिया मस्ट बी मेड. ट्यूमर इज फिटेड सॉरी किडनी इज कम्प्लीटली एक्साइज, द सर्फेस ऑफ यूनियन कंसूल इंटैक्ट. The tumor is not ruptured by biopsy. Open the needle period removal. No involvement external and renal sinus lymph vascular spaces. No residual tumor apparent beyond the vaginal incision. Metastasis tumor of lymph nodes are not identified. Treatment nephrectomy. 18 weeks of chemotherapy depending on age, patient's weight, tumor. Example less than 2 years old less and 55 gram only requires nephrectomy with observation. आउटकम 98 फाइव ईयर सर्वाइव करते हैं इसमें 85 द सर्वाइव इज एनाप्लास्टिक. अब स्टेज टू, स्टेज टू में द ट्यूमर है जो स्प्रेड इनटू द टिश्यू एंड वेसल्स अराउंड द किडनी बट कैन बी स्टिल कम्प्लीटली रिमूव्ड विद सर्जरी. अबाउट 20% ऑफ विल्स ट्यूमर आर स्टेज टू. द स्टेज टू विल्स ट्यूमर वन मोर फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी मेट. ट्यूमर एक्सटेंड बियॉन्ड द किडनी बट इज कम्प्लीटली एक्साइज. No residual tumor apparent beyond the margin of excision. Any of following conditions may be also exist. Tumor involvement may be blood vessels of the end or outside of renal pericardium. The tumor has been bifurcated period of removal. This local spillage and tumor during surgery. Confirmation of frank extensive tumor involvement of renal soft tissue. Treatment nephrectomy plus abdominal radiation plus 24 weeks of chemotherapy. Outcome 96% 4 year survival, 70% 4 year survival in anaplastic. Stage 3 23% for stage 3 Wilms tumor. One more or the following criteria must be met. Unresectable primary tumor, lymph node metastasis, tumor is present surgical margin, tumor spillage involving peritoneal surface either before the during surgery.
ट्रीटमेंट एबडोमिनल रेडिएशन प्लस 23 कीमोथेरेपी नेफ्रेक्टोमी आफ्टर ट्यूमर सर्किल आउटकम 95 फोर ईयर सर्वाइवल 56 फोर ईयर सर्वाइवल इन एनाप्लास्टी स्टेज 4 द कैंसर इज हैज स्प्रेड बाय ऑर्गन सच एज लंग्स लीवर एंड ब्रेन ब्रेन तक भी फैल जाता है तो स्टेज 4 ब्रेन ट्यूमर हैज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ हेमोस्टेटिक मेटास्टेसिस लंग्स लीवर बोन एंड ब्रेन और लिम्फ नोड मेटास्टेसिस आउटकम एब्डोमिनल पेल्विक लीजन ट्रीटमेंट क्या है नेफ्रेक्टोमी प्लस एब्डोमिनल रेडिएशन करते हैं 24 वीक्स कीमोथेरेपी रेडिएशन मेटास्टेसिस एडवर्ट आउटकम 90% फोर ईयर सर्वाइव करते हैं 70% फोर ईयर सर्वाइव इन एनाप्लास्टी स्टेज 5 द ट्यूमर इज बर्थ किडनी एट टाइम डायग्नोज अबाउट 5% ऑफ दिस ट्यूमर इज स्टेज 5 बाइलेटरल लिनियर बोन में होती है इलिमिनेशन डायग्नोज सर्वाइवल 94% विद स्टेज 1 स्टेज 2 में 76 और ट्रीटमेंट इंडिविजुअल थेरेपी बेस्ड ऑन ट्यूमर बर्डन मैनेजमेंट सर्जिकल रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी मैनेजमेंट में करते हैं कीमोथेरेपी जो ड्रग्स होती है एसिटोनोमाइसिन डी 0.06 to 0.12 mg/kg IV देते हैं डॉक्सोरूबिसिन देते हैं यूनिएट्रियोमाइसिन 1.25 mg या 1.9 mg/kg के हिसाब से इन क्रिस्टन्स 0.125 mg to 1.05 mg/kg के हिसाब से स्टेज फर्स्ट में एसिटोमाइसिन एंड क्रिस्टिन देते हैं 11 से 15 वीक स्टेज सेकंड में एसिटोनोमाइसिन एंड विनक्रिस्टिन फॉर 15 मंथ स्टेज थर्ड एसिटोनोमाइसिन विनक्रिस्टिन एंड एड्रिनोमाइसिन फॉर 15 मंथ स्टेज 5-4 में एसिटोमाइसिन विनक्रिस्टिन एंड एड्रिनोमाइसिन फॉर 15 मंथ इट रेस्पॉन्स इज स्लो एंड साइक्लोफोस्फामाइड इज एडेड स्टेज 5 बायलेटरल ब्रेन ट्यूमर एक्सिजन ऑफ ट्यूमर एक्सीजन करके ट्यूमर को बाहर इट इज़ नॉट पॉसिबल कंट्रोल टू बाई बायोप्सी ट्रीटेड वे विनक्रिस्टिन एंड एसिटोनोमाइसिन डी फॉर 3 to 6 मंथ इफ नो सेटिस्फैक्ट्री रिएक्शन सीन आफ्टर 3 मंथ रेडिएशन इरेडिएट बोथ किडनी द सेकेंड ग्रुप सर्जरी इज प्लान्ड आफ्टर 6 मंथ थेरेपी इफ नॉट पॉसिबल कीमोथेरेपी मे बी ट्राइड फॉर एन एडिशनल 9th मंथ इज टोटली अनोवेबल केसेस विद नो मेटास्टेटिक डिजीज बायलेटरल नेफ्रेक्टोमी एंड लिनियर ट्रांसप्लांटेशन मे बी ओनली वियबल ऑपरेशन नर्सिंग मैनेजमेंट नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट प्री ऑपरेटिव केयर प्री ऑपरेटिव पेरेंट्स चाइल्ड की सर्जरी एक्सप्लेन द पेशेंट्स प्रेग्नेंट एब्डोमेन ऑफ द चाइल्ड पेरेंट्स एक्सप्लेन द चाइल्ड अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव केयर इफ जो सी एनअप प्रोजन शुड बी टेकन इन रनिंग ऑफ द हैंडलिंग द चाइल्ड पोस्ट ऑपरेटिव में मॉनिटरिंग वाइटल साइन मॉनिटर द न्यू फंक्शंस बाय मॉनिटरिंग वेट इनटेक आउटपुट के एफ टी वैल्यूज ऑब्जर्व द साइन फंक्शनिंग यूज एसेप्टिक टेक्निक्स वाइल डूइंग एसिडेशन एक्सप्लेन द अबाउट फॉलो अप कंटिन्यू ट्रीटमेंट टाइम एंड डिस्चार्ज इसके साथ में एनआरपी मेथिंग पर माउथ भी करते हैं इसमें इसी साथ में आपका जो टॉपिक है ग्रिम्स ट्यूमर थैंक यू एवरीवन